नमस्कार, लोभसिस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं भरवा पनीर पकोड़ा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसे हम नाश्ते में बना सकते हैं, अगर घर में मेहमान आए तब भी बना सकते हैं। ये पकोड़े दिखने में जितने यम्मी है उससे भी ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए हम भरवा पनीर पकोड़ा बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम पनीर के पीसेस लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे पीसेस किए हैं। पहले हम इस पनीर को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। थोड़े लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक हमारे पनीर के पीसेस मैरिनेट हो रहे हैं तब तक हम पकोड़े के लिए बैटर तैयार करते हैं। यहाँ हमने पकोड़े का बैटर बनाने के लिए चना दाल का 2 कप आटा लिया है और अब इसमें थोड़ा अजवाइन डालेंगे और स्वादानुसार नमक। पहले अजवाइन और नमक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेते हैं। हाथ से बना लेते हैं। बैटर में हमें लम्स बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसे रनिंग कंसिस्टेंसी है। अब इसे भी हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हमने जो पनीर के पीसेस मैरिनेट करने के लिए साइड में रख दिए है उसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। पनीर का कोटिंग बनाने के लिए यहाँ हमने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ग्रेट करके लिए है। अब इसमें 1 छोटा प्याज डालेंगे, एकदम बारीक फाइन कटा हुआ। 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और स्वादानुसार नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने ग्रेट किए हुए आलू में जो सामग्री डाली है उससे ये पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमारा पनीर का कोटिंग तैयार है, बैटर भी रेडी है और मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस भी। अब हम भरवा पनीर पकौड़ा फ्राई कर लेते हैं। बैटर में हम 1 पिंच इनो डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा तेल लगाएंगे और ग्रेट किए हुए आलू का जो मिक्सचर है उसका थोड़ा हिस्सा लेंगे। इस हिस्से को थोड़ा कटोरे जैसा शेप देंगे और हमने जो मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस है वो उसमें स्टफ़ कर देंगे। अब ऐसे ही हम पनीर स्टफ किए हुए बॉल्स बना लेते हैं। तेल हमारे यहाँ मीडियम फ्लेम पे गरम हो गया है। सबसे पहले पनीर स्टफ किया हुआ बॉल हम बैटर में 1-1 बॉल डिप करके तेल में फ्राई करने के लिए डालते हैं। पहले 1 मिनट इसे ऐसे होने देंगे, फिर साइड चेंज करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम होने देंगे। यहाँ पकोड़े हमारे अच्छे से प्रॉपर फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे ही बाकी बचे हुए पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमारा भरवा पनीर पकोड़ा खाने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी बना के देखिए। अगर आपको भरवा पनीर पकोड़े की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लोभसिस किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।